News 18, India. बीजेपी की ओर से सुशील मोदी को फिर से डिप्टी सीएम बनाए जाने की चर्चा जोरों पर है। ऐसे में आइए समझते हैं कि बिहार में सुशील मोदी की मौजूदगी बीजेपी के लिए बेहद जरूरी क्यों है कि इस बार बीजेपी उन्हें फिर से नीतीश की अगुवाई वाली सरकार में डिप्टी सीएम बनाना चाहती है। देखिए, दरअसल बीजेपी नेताओं में नीतीश के सबसे करीबी सुशील मोदी को कहा जाता है और यही वजह है कि सुशील मोदी का नाम एक बार फिर से यहां पर आगे किया गया है। सुशील मोदी और नीतीश के बीच आपको बता दें कि बेहतर तालमेल है जो समय समय पर दिखाई भी देता है। पटना से दिल्ली तक नीतीश और सुशील मोदी की जोड़ी के चर्चे भी होते रहते हैं। सुशील मोदी सीएम हाउस बेरोकटोक आते जाते रहते हैं, जो नीतीश के साथ उनके रिश्तों को बयां भी करता है। सुशील मोदी बिहार बीजेपी के इकलौते ऐसे नेता हैं जो नीतीश के खिलाफ बोलने से परहेज करते हैं, बचते हैं, और जेडीयू से बीजेपी की तलखी के बीच हमेशा से वो पुल की भूमिका भी निभाते रहे हैं। लालू प्रसाद के परिवार पर हमला करने का कोई भी ऐसा मौका नहीं होता जो सुशील मोदी चूक जाएं। और साल 2015 में महागठबंधन की सरकार गिराने में भी सुशील मोदी की भूमिका काफी अहम रही थी। साल 2020 में बीजेपी ने सुशील मोदी को बिहार की राजनीति से दूर कर दिया। 2020 में राज्यसभा जाने के बाद बिहार की राजनीति से सुशील मोदी गायब हो गए। अब साल 2022 में नीतीश को एनडीए से अलग होने पर बीजेपी को सुशील मोदी की कमी खली और यही वजह है कि एक बार फिर से उनके नाम को बतौर डिप्टी सीएम आगे किया जा रहा है। और लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने एक बार फिर से ट्वीट किया है, ये बड़ी खबर है, नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा है। उन्होंने ट्वीट किया है कि जब तक है सांस बाकी सांप्रदायिक ताकतों के खिलाफ लड़ाई जारी है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लालू यादव की बेटी है रोहिणी आचार्य, और एक बार पहले भी आपको याद होगा ट्वीट किया गया था फिर डिलीट कर दिया गया, लेकिन ये नया ट्वीट है। इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं जिसमें नीतीश कुमार के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी पर भी निशाना साधा है, और इस बार ट्वीट में लिखा है जब तक सांस बाकी है सांप्रदायिक ताकतों के खिलाफ लड़ाई जारी है, रोहिणी आचार्य की तरफ से लिखा गया है। हालांकि राजनीति से उनका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी चूंकि लालू यादव की वो बेटी है रोहिणी आचार्य, और उनकी तरफ से एक बार फिर से ट्वीट किया जाना ये भी चर्चा का विषय है। और इन सब के बीच कई दल नीतीश कुमार पर एक पद के लिए एक गठबंधन से दूसरे गठबंधन में जाने का आरोप भी लगा रहे हैं। नीतीश सरकार में शामिल कांग्रेस के एक मंत्री ने तो उन पर कई गंभीर आरोप लगा दिए। सुनिए, नीतीश जी का हम बहुत पहले बोल चुके हैं कि नीतीश जी ऐसे व्यक्ति हैं कि पद के लिए कहीं भी जा सकते हैं, उनको पद चाहिए, पद को ले मिल रहा है, पद लेने के लिए आ रहे हैं। एक जगह मन नहीं लगता है, कभी इधर भागते हैं कभी उधर भागते हैं, अस्थिर रह के बिहार की जनता के लिए वो नहीं सोच, उनका जो अपना सोच है वो उसी में चलते हैं, अब वो क्या करेंगे जनता के साथ वो उन्हीं को मालूम है। और इसी बिहार में सियासी परिवर्तन से पहले बैठकों का दौर भी लगातार जारी है। कल बीजेपी और आरजेडी की विधायक दल की बैठक हुई है, इसके बाद आपको बता दें पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने सियासी समीकरण पर माथापच्ची की है, वहीं सिलसिला आज भी इसी तरह जारी रहने वाला है। सबसे पहले 9 बजे बीजेपी की आज बड़ी बैठक होगी जिसमें पार्टी के सभी विधायकों और सांसदों के साथ साथ वरिष्ठ नेता और बिहार बीजेपी प्रभारी विनोद तावड़े भी शामिल होंगे। उसके बाद 10 बजे जेडीयू नेताओं के साथ नीतीश की बैठक होगी जिसमें पार्टी के एमएलए एमपी वरिष्ठ नेता शामिल होने जा रहे हैं। बताया ये भी गया है कि जेडीयू की बैठक के बाद एनडीए विधायक दल की बैठक होनी है और इसी में नई सरकार की रूपरेखा कैसी होगी ये तैयार कर लिया जाएगा, और आज ही जानकारी ये है कि शपथ ग्रहण भी हो जाएगा, यानी कि 9वीं बार नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर एक बार फिर से शपथ लेते हुए आज ही दिखाई देंगे। ना नीतीश जी ने इस्तीफा दिया है ना किसी ने समर्थन वापस लिया है, तो पहले कोई बात होती है तभी तो कोई जानकारी होगी। भारतीय जनता पार्टी ये जानना चाहती है कि बिहार की स्थिति क्या है, ये जानेंगे तब तो कोई डिसीजन ले। और ग्राउंड जीरो पर आपको लिए चलते हैं, हमारे सहयोगी चंद्रमोहन जुड़े हुए हमारे साथ। चंद्रमोहन, बयानबाजी का दौर भी शुरू हो चुका है और नीतीश कुमार पर बड़ा आरोप यही कि सिर्फ पद के लिए, कभी इस गठबंधन में तो कभी दूसरे गठबंधन में, लेकिन इस फैसले के बाद नीतीश कुमार का राजनीतिक भविष्य किस तरह से देखते हैं आप?
बिल्कुल, देखिए नीतीश कुमार का राजनीतिक भविष्य ये है कि नीतीश कुमार अभी मुख्यमंत्री हैं और आगे भी रहेंगे, इसमें कहीं दो मत नहीं है। चाहे गठबंधन वो महागठबंधन के साथ रहें या फिर एनडीए के साथ रहे, लेकिन नीतीश कुमार को छोड़कर कोई और मुख्यमंत्री यहां पर अभी मंजूर नहीं है। साफ तौर पर नीतीश कुमार अगर किसी भी गठबंधन के साथ जाते हैं तो पहले यह तय कर लेते हैं कि वही मुख्यमंत्री रहेंगे, उसके बाद फिर बातचीत आगे शुरू होती है। तो साफ तौर पर समझा जा सकता है कि बिहार की राजनीति नीतीश कुमार के आगे पीछे इतर घूमते रहती है, और ऐसे में अभी जो आलम है, जो हालात है, भले ही बीजेपी के लोग ये कह रहे हैं कि वो हालात को देख रहे हैं कि बिहार में क्या चल रहा है, आगे क्या होने वाला है, लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी का समर्थन मिला है तभी नीतीश कुमार ने पहले महागठबंधन से अलग होने का फैसला किया और उसके बाद फिर बीजेपी के साथ बातचीत शुरू हुई है, और बात यहाँ तक पहुँच गई है कि बस चंद घंटे बाद यहाँ पर मुख्यमंत्री आवास में बैठक शुरू होगी और फिर नीतीश कुमार के पास विधायक जितने भी बीजेपी के हैं वो यहाँ पर पहुँचेंगे, फिर एनडीए की बैठक होगी और उसके बाद फिर इस राजभवन में नीतीश कुमार पहुँचेंगे, इस्तीफा देंगे और फिर नए सरकार की गठन हो जाएगी। तो साफ तौर पर समझा जा सकता है कि भले ही नीतीश कुमार बड़ी पार्टी हो या तीन नंबर की पार्टी हो बिहार की, लेकिन राजनीति उन्हीं के इतर घूमते रहती है, मुख्यमंत्री वही रहेंगे, गठबंधन चाहे कोई भी हो। ठीक है, आप बने रहिएगा हमारे साथ। इन सब के बीच एक और अहम खबर जो मिल रही है वो भी बता देते हैं। नीतीश कुमार पर अब सबकी नजरें इस वक्त टिकी हुई हैं, उनके हर एक कदम के अब बहुत बड़े मायने हैं, लेकिन कांग्रेस भी अब खुलकर उनके खिलाफ बयानबाजी कर रही है, जिसका जवाब जेडीयू नेता भी तीखा दे रहे हैं। उन्होंने भी कहा था कि अब कभी जिंदगी में दोबारा वो भारतीय जनता पार्टी के साथ हाथ नहीं मिलाएंगे, और तो लोगों हम लोगों ने विश्वास किया, सभी लोगों ने विश्वास किया, उनको समर्थन दिया, लेकिन जिस तरह से वो बीच मझधार में महागठबंधन को छोड़कर गए हैं, इससे उनकी क्रेडिबिलिटी, उनकी विश्वसनीयता लगभग समाप्त हो चुकी है। हम लोग हर चुनौती का सामना करने की हमारी तैयारी है। 24 में जो चुनाव होगा, वो जो 10 साल का जो कार्यकाल रहा है नरेंद्र मोदी जी का, वो मुद्दा बनेगा। अपने राज्य के विकास के लिए ये जरूरी, जब पड़ता है, जब जरूरत महसूस होती है कि ऐसा करना जरूरी है, तो इस तरह का समय आता है और गठबंधन बनता है और गठबंधन बदलता भी है। लेकिन मैं अभी नहीं आपको कह रहा हूँ कि गठबंधन बदल रहा है, ये हमारा शीर्ष नेतृत्व तय करेगा। बिहार में महागठबंधन की सरकार बचाने के लिए आरजेडी हर कोशिश कर रही है। तेजस्वी और लालू यादव आखिरी दांव तक सियासी और फेर रोकने की कोशिश में जुटे हुए हैं। कल आरजेडी की बड़ी बैठक के बाद तेजस्वी यादव ने अपने विधायकों को भी यही संदेश दिया और कहा कि बिहार में अभी खेला होना बाकी है। इसके साथ ही सभी विधायकों को पटना में रहने का आदेश दिया गया है, साथ ही आरजेडी विधायकों को फोन बंद नहीं करने के निर्देश भी दिए गए हैं। इसी बीच तेजस्वी को सहयोगी दल CPI-ML का भी साथ मिला है। CPI-ML विधायक दल के नेता महबूब आलम तेजस्वी से मुलाकात करते हैं। बिहार में CPI-ML के 12 विधायक हैं और इसलिए ये मुलाकात भी अहम कही जा रही है। कुछ पता नहीं, अभी तो कोई पता ही नहीं चल रहा है क्या हो रहा है, कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि अभी देखो अभी तो हम आए ही हैं और जिस तरह से न्यूज में ही जो चल रहा है सो चल रहा है, अभी तो कोई आधिकारिक किसी की तरफ से कोई बयान आया नहीं। देखिए, जब भी हम लोग सरकार में आते हैं, राष्ट्रीय जनता दल बिहार के जनता के लिए और काम करते हैं और आगे भी करते रहेंगे।